कार दोस्तों, स्वागत है आपको खबर अब टेक न्यूज़ में। मैं हूं कार्तिक शर्मा। और जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम जैसे भी कोई नया फ़ोन आएगा आपको उसके लिए अपडेट देंगे कि कौन कौन सा नया फ़ोन आया है। तो आज हम अपडेट देने वाले हैं रेडमी नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स का, कि इनकी स्पेसिफिकेशन, इनकी डिटेल्स, इनका कैमरा, इन स्टोरेज, इनकी डिस्प्ले, इनका इनका प्रोसेसर कैसा है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आज रेडमी नोट 9 प्रो कैसा। रेडमी नोट 9 प्रो में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कैमरे की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा दे रखा है। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 16.9 सेंटीमीटर यानी 6.67 Full HD डिस्प्ले, Full HD डॉट डिस्प्ले इसमें दी गई है। ट्रिपल कॉर्निंग ग्लास दिया गया है उसमें, गोरिल्ला ग्लास 5। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि एक बहुत ही सबसे पहले ही इन्होंने MI वालों ने ये नई चीज़ निकाली है इस फ़ोन में, मैं पहली बार देख रहा हूँ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। 2+1 माइक्रो SD स्लॉट दे रखा है इसमें, जो कि एक्सपेंडेबल आप 512 GB तक कर सकते हैं। 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है इसमें। और इसकी बैटरी का सवाल अगर आप जवाब करें तो बैटरी के मामले में ये फ़ोन एकदम मस्त लग रहा है मुझे। जहाँ तक कि मैंने आगे के रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 8 7 प्रो 7 की बात करी थी, उसमें 4000 4500 mAh की बैटरी की बात की गई थी, बट इसमें 5220 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें 48 मेगापिक्सल का वाइड प्राइमरी कैमरा दे रखा है नाइट मोड के साथ। उसके साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा दे रखा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दे रखा है और 2 मेगापिक्सल का टैप सेंसर दे रखा है AI पोर्ट्रेट मोड। इसमें 4 कैमरा दे रखे हैं, 4 कैमरा है ही, रियर कैमरे इसमें 4 दे रखे। और बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल मैं आपको बता चुका हूँ सेल्फी कैमरा है इसमें, AI पोर्ट्रेट मोड दे रखा है, जैसा कि MI वालों ने और फ़ोन में भी निकाल चुके हैं यही सेल्फी नाइट मोड दे रखा है इसमें। डिस्प्ले मैं आपको बता ही चुका हूँ, Full HD डिस्प्ले दे रखी है इसमें। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट डिस्प्ले, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकाली है इन्होंने, साइड में दे रखा है इसका फिंगरप्रिंट। बैटरी आपको बता ही चुका हूँ 5020 mAh की, स्प्लैश प्रूफ है ये बाय P20i। इसके 3 कलर इसमें अवेलेबल हैं, 3 कलर मैं आपको बता देता हूँ, इंटरस्टेलर ब्लैक, ग्लेशियर वाइट एंड थर्ड कलर है आपका ओरेरा ब्लू। और इसमें दो स्टोरेज, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 4+64 एंड 6+128। 4+64 आपको 13,000 का मिल जाएगा नोट 9 प्रो में, और 6+128 आपको मिल जाएगा 16,000 का, यानी 13 एंड 16 का फ़र्क है दोनों में। अभी ये अवेलेबल नहीं है ये फ़ोन, अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि अभी अभी नया नया आया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नोट 9 प्रो मैक्स की, वो कैसा है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको नोट 9 प्रो मैक्स में क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं MI वालों ने। 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा दे रखा है इसमें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की बात करें 720G। डिस्प्ले की बात करें तो 16.9 सेंटीमीटर, 6.67 Full HD डिस्प्ले प्लस डॉट डिस्प्ले, यहाँ देखिए दोनों ही फ़ोन में डॉट डिस्प्ले दे रखी है। 33 वॉट का फास्ट चार्जर दे रखा है इन बॉक्स में। 32 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है, जो कि नोट 9 प्रो से सेल्फी कैमरा इसका अच्छा है। 2+1 माइक्रो SD स्लॉट है, एक्सपेंडेबल अप टू 512 GB, जैसा कि आपको पता ही है। ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दोनों ही सेम, और 5020 mAh की बैटरी। दोस्तों बैटरी के मामले में दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं, बस इसमें देखा जाए तो सेल्फी कैमरा इसमें ज़्यादा अच्छा दिया गया है 32 मेगापिक्सल का, जहाँ तक, जो कि अच्छी बात है नोट 9 प्रो मैक्स में। और मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, 64 इसका प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल के मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 4 कैमरा दे रखे हैं। नाइट मोड है इसमें, 32 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले कैमरा है, इन डिस्प्ले सेल्फी है आपको पता ही है सेल्फी कैमरा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G है जैसा कि आपको पता ही है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इलाइट गेमिंग का दे रखा है, यानी कि कोई भी गेम आप चलाएंगे तो वो स्मूथली चलेगा। 5020 mAh की बैटरी, जो कि आपको पता ही है दोनों फ़ोनों में सेम दे रखी है। इसमें ये चीज़ नहीं है कि 0 to 20 to 0 to 50% इन अंडर 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट के अंदर आपका फ़ोन 0% से 50% के ऊपर हो जाएगा। बाकी आपको मैं बता ही चुका हूँ, इसमें भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट डिस्प्ले सेंसर दे रखा है, जो कि बहुत ही नया फीचर है MI वालों का। P2i स्प्लैश प्रूफ, जहाँ की बता चुका हूँ आपको। इसमें भी दोस्तों 3 कलर आते हैं, इंटरस्टेलर ब्लैक, ओरोरा ब्लू एंड ग्लेशियर वाइट। तो दोस्तों इसमें मैं भी आपको ये भी बता दूं कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट कितने में अवेलेबल हैं,
दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेगा 6 प्लस 64 GB 15,000 का, उसके बाद मिलेगा 6 प्लस 128 GB 17,000 का, उसके बाद मिलेगा 8 GB प्लस 128 GB 19,000 का। तो देख जो दोस्तों जो भी आपके बजट में हो इस फ़ोन में, मैं देख रहा हूँ कि MI वालों ने 9 Pro Max में थोड़ा अपग्रेडेशन ज़्यादा किया है। इसमें इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी 32 मेगापिक्सल है, यहाँ तक कि 9 Pro में भी अच्छा है, बैटरी के मामले में भी अच्छा इन्होंने करा है। इन्होंने नए फीचर जो लाए हैं वो है कोने में इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है वॉल्यूम बटन के पास, वो बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने नई निकाली। बाकी खबरों के लिए बने रहिए खबर अब तक टैक, हम आपके लिए नए नए गैजेट्स के ऐसे ही रिव्यू लाते रहेंगे। हाँ जी, अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको नए नए नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पर जरूर रिंग कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ अग्रह।